और पूरा गठबंधन चट्टानी एकता के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा। हवा में उड़ जाएंगे, मोदी जी के सामने कोई नहीं है टक्कर में। खाली डांस करने से वोट नहीं ना मिल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का वोट नहीं पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी को देखना है। ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल मिलाकर हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई पता है, ना दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। होप आप जो हमारा चुनावी कवरेज है, चुनावी यात्रा है, खासकर जो रैली वगैरह हो रहा है या पब्लिक ओपिनियन जो हम कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा होगा। हम भारत दर्शन ब्लॉग पर भी ब्लॉग भी बना रहे हैं और प्लस में जो जनमत अखाड़ा हमारा न्यूज़ चैनल है, पब्लिक ओपिनियन का चैनल, उस पर भी हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। और अभी तक हमने जो तेजस्वी यादव का जो नॉमिनेशन सभा था वो आपको दिखाया था काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ से राजा राम चुनाव लड़ रहे हैं, प्रेमनगर हाई स्कूल में, उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके अगले दिन हमने पवन सिंह का नॉमिनेशन सभा दिखाया, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह आए हुए थे। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि NDA से लड़ रहे हैं, BJP सपोर्ट कर रही है, उनका नॉमिनेशन सभा है सुवरा हवाई अड्डा। वहीं पर चिराग पासवान भी आएंगे, सम्राट चौधरी और बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, मिनिस्टर्स वगैरह भी आएंगे। तो आज पता चलेगा कि किसमें कितना है दम। त्रिकोणीय जो मुकाबला हो रहा है, कौन चुनाव जीतेगा, आज क्लियर हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि NDA की जो चुनावी जनसभा है उसमें चिराग पासवान जो है उनका आगमन हो चुका है। जो कार्यकर्ता है वोटर है, उनमें काफी जोश देखने को मिल रहा है। जीतराम मांझी का भी आगमन हो चुका है इस जनसभा में, काराकाट लोकसभा क्षेत्र का ये धरती है। आपका कोई काम होगा तो आपके विश्वास को डायरेक्ट
सीए और मोहन यादव जैसे लोगों को अपने परिवार को मुख्यमंत्री नहीं संसद बनाने का काम करके धन्यवाद। तो आप अभी देख रहे हैं दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं उनका जनसभा सुगरा हवाई अड्डा सासाराम में। कल हमने आपको पवन सिंह की जनसभा दिखाया था, उसमें देखा था आपने कि पवन सिंह का कहना था कि जब चली पवन तो रोकी कवन, लेकिन यहां पर तो उपेंद्र कुशवाहा के भी जनसभा में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। तीन चरण के चुनाव में एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और जब ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी काराकाट लोकसभा के एक एक मतदाता की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से चुनकर भेजें, अपना प्रतिनिधित्व एक ऐसे व्यक्ति को आप सौंपे जो कल को जब जीत कर जाए तो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आपकी समस्या और वो व्यक्ति और कोई नहीं, आप सबके भी लोकप्रिय और हमारे तो आदरणीय है, हमारे अभिभावक मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद एक पिता की तरह जिन्होंने मेरी उंगली को थामा, जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने का काम किया, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को एक बार साथियों जरूरी है राजनीति में गंभीरता का बने रहना, जरूरी है कि राजनीति में ऐसे लोग आपका प्रतिनिधित्व करें जिनके पास वो राजनीतिक अनुभव, जरूरी है कि आप लोग ऐसे लोगों को चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजे जो कल तो सिर्फ एक सांसद की भूमिका में नहीं बल्कि उससे बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के लिए कार्य करने का काम करें। ऐसे में आदरणीय उपेंद्र जी के पास वो अनुभव, राजनीति की वो गंभीरता और आपकी समस्या के समाधान करने का वो ज्ञान, ये तमाम बातें आज उस संदेश की तरह आप सबके समक्ष रखने आया जो संदेश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उनका स्पष्ट संदेश है कि बिहार के 440 लोकसभा में एनडीए के की भारी मतों से जीत होनी चाहिए। और ऐसे में एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर और पूरा गठबंधन चट्टानी एकता के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा है। आज हम लोग को गर्व होता कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है, आज प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। साथियों जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने तमाम विवादित मसलों का हल किया, धारा 370 की बात या जिस तरीके से हमारे राम लल्ला 500 साल से ऐसे ही टेंट के नीचे विराजमान थे, धूप गर्मी धूल मिट्टी में टेंट के नीचे बैठे थे, पहली बार देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर भगवान राम की प्रतिष्ठा करने का काम किया, आदि आबादी को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू कर, ये तमाम वो विकास के कार्य हैं जो भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में उठाए गए। पर वही दूसरी तरफ विपक्ष के भी कई लोग आए और आकर आप लोगों से बड़ी बड़ी बातें कर रहे, पर याद रखिएगा विपक्ष के जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। आज लोग जगह जगह जाकर बोल रहे हैं कि संविधान को खतरा है, जाकर बोलेंगे आरक्षण को खतरा है, तो कभी बोलेंगे
लोकतंत्र को खत्म, ये लोग लोकतंत्र की चिंता करेंगे। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की, आज ये लोग लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। साथियों, आज आप लोगों के सामने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, खतरा है ऐसे लोगों से जो आपका हक, आपका अधिकार लूटना चाहते हैं। कई और लोग भी आजकल मैदान में आए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का दिल जीतेंगे। पर साथियों, ये याद रखिएगा, सरकार प्रधानमंत्री जी की बनने जा रही है, ये भी हम लोगों को याद रखना है कि हम लोगों का प्रत्याशी, हम लोग का सांसद प्रधानमंत्री जी के हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनको मजबूत करने वाला प्रत्याशी होना चाहिए, ना कि उनको कमजोर करने वाला व्यक्ति। आप लोगों का ये साथ ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेगा, बल्कि मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूत करेगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूत करेगा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूत करेगा, और आपके बेटे, आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का ये काम करेगा।